हेलो एवरीवन, आई एम आनंद राजपूत और आज हम आपको बताएंगे टीवी बाय नो डिस्प्ले एंड नो पिक्चर को कैसे टेस्ट किया जाता है और कैसे रिपेयर किया जाता है। तो हमारे पास एक कॉम्बो बोर्ड लगा हुआ है और इस टीवी में देखेंगे क्या फॉल्ट आया है। ये हमने टीवी को हम ऑन करते हैं, यदि हम डिस्प्ले में देखें तो नो पिक्चर, वाइट स्क्रीन आ रही है। तो इसको हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे कि एलपीडी डिस्प्ले का आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसके लिए पीसीबी को निकालेंगे, ग्लास खोल लिया और यहाँ पर फोकस करें, ये वाला मल्टीमीटर है। प्लस वोल्ट प्लस 12 वोल्ट आ रहे हैं और डेटा डी प्लस डी माइनस डी प्लस एंड पेयर नंबर 3 ओके एंड क्लॉक वोल्टेज 3.322 बट्स यहाँ पर हमारे आना चाहिए 1.2 वोल्ट या 1.5 वोल्ट, बट क्लॉक इसमें वोल्टेज हाई आ रहा है, इसका मतलब इसका क्लॉक पल्स नहीं मिल रहा है। और इस चीज़ को हम ऑसिलोस्कोप से चेक करेंगे। ऑसिलोस्कोप में ये है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे डी माइनस, यहाँ देखो डी माइनस का सिग्नल बन रहा है ऑसिलोस्कोप में, ठीक है। फिर डी प्लस, फिर डी माइनस, डी प्लस, डी माइनस, डी प्लस, इसके बाद क्लॉक सिग्नल नॉट अवेलेबल, क्लॉक सिग्नल नहीं मिल रहा है और यहाँ पर क्लॉक नहीं मिल रहा है और डी माइनस डी प्लस। तो इससे हमको पता चल गया है कि इसकी क्लॉक मिसिंग है, दैट्स मीन्स या तो एलबीडीएस केबल ख़राब है या फिर
आपका कार्बन आ गया है। तो सबसे पहले एलवीडीएस केबल को क्लीन करके देखेंगे। तो पहले टीवी को ऑफ कर देंगे। एलवीडीएस केबल को क्लीन किया। इरेजर से हम क्लीन करेंगे। और फिर से कनेक्ट कर देंगे। अब वंस अगेन हम चेक करते हैं। पावर इनपुट किया। टीवी को ऑन करेंगे। अब हम क्लॉक पर वोल्टेज चेक करेंगे। क्लॉक वाले पिन पे चेक करते हैं। देखो 1.14 वोल्टेज आ चुके हैं। यहाँ पर फोकस करें। क्लॉक पिन पे जो 3.3 वोल्ट आ रहे थे वो 1.14 के अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब क्लॉक मिलने लगा है और डिस्प्ले भी आ गया है। बट हम एक बार ऑसिलोस्कोप से फिर से चेक कर लेंगे और देखते हैं क्लॉक सिग्नल मिल रहा है। क्लॉक सिग्नल मिलने लगा है और क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस इसका ऑटो बटन दबाना। और यदि हम थोड़ा सा जूम करेंगे तो एक क्लॉक मिलने लगा और हमारा डिस्प्ले भी आ गया। तो इस प्रकार से हम नो पिक्चर वाले फॉल्ट की टेस्टिंग करेंगे। और ये आपका एलवीडीएस ख़राब भी हो सकता है, उसका रिप्लेस करना पड़े, या आपका स्किलर का कनेक्टर भी ख़राब हो सकता है। ओके।